अगर मैं आपसे ये कहूं कि हर बच्चा कॉन्फिडेंट होता है तो शायद आप ये मानेंगे नहीं। सच तो ये है कि कॉन्फिडेंस हर बच्चे में नेचुरली पाया जाता है, पर हम पेरेंट्स जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 गलतियां जो हमें एज पेरेंट्स नहीं करनी है ताकि हमारे बच्चों का नेचुरल कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। नमस्ते, मैं हूं सुमित, आप ही की तरह एक पेरेंट और इंडिया के सबसे बड़े स्कूल नेटवर्क लीड का को-फाउंडर। गलतियों पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं, पर कभी कभी हमारी इस इच्छा और हमारे एक्शंस में अंतर आ जाता है, और ये सिर्फ आपकी नहीं हर पेरेंट की प्रॉब्लम है। पर गलती से ज़्यादा हानिकारक होता है गलतियों को ना सुधारना। तो आज अगर आपको लगे कि आपसे ये गलतियाँ हुई हैं तो घबराइए नहीं, बल्कि जल्द से जल्द इन्हें सुधारने में लग जाइए। ये 5 वार्निंग्स उन रोड साइंस की तरह हैं जो हमें रास्ते पे दिखती हैं हमें सचेत करने के लिए। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी 5 गलतियां हैं जिनसे हम पेरेंट्स को सावधान रहना है। पहली गलती है निग्लेक्ट, यानी बच्चों को नज़रअंदाज करना। हम पेरेंट्स अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि जब बच्चा हमारे पास किसी चीज़ के लिए आता है तो हम अक्सर बाद में आना, मैं अभी बिजी हूँ कहकर उन्हें टाल देते हैं। बार बार होने पर बच्चे को लगने लगता है कि उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका काम है। तो अब ज़रा सोचिए कि जब उन्हें पढ़ाई में डाउट हो, जब उन्हें फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम हो, जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तब आप उनके लिए हैं कि नहीं? अगर हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है, और अगर आप नहीं हैं तो उन्हें अपनी इम्पॉर्टेंस पर डाउट होने लगता है। कई बार आप अपने दोस्तों के साथ बिजी होते हैं और बच्चों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं या फ़ोन पे गपशप में बिजी हैं और आपका बच्चा आपसे सवाल पूछना चाहता है। अगर आप उसे इशारा करते हैं कि बाद में आओ, तो आप उसे इशारा कर रहे हैं कि दोस्त या फ़ोन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दो बार ठीक है, लेकिन अगर बार बार ये हो तो बच्चा मान लेता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और इसके चलते उनमें हीन भावना बढ़ने लगती है। दूसरी बड़ी गलती जो हम पेरेंट्स अक्सर करते हैं वो है फिजिकल और मेंटल अब्यूज़, यानी शारीरिक या मानसिक तौर पर बच्चों को दंड देना। जब हम छोटे थे तो गलती करने पे हमारी पिटाई होती थी और भला बुरा सुनने को मिलता था। तो जब हम पेरेंट्स हैं तो हमें लगता है यही नियम है, पर इसका बच्चों के कॉन्फिडेंस पे बहुत हानिकारक असर होता है। पहले बात करते हैं फिजिकल अब्यूज़, यानी पिटाई की। जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे हाथ उठाते हैं वो एक सिग्नल दे रहे हैं कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम मेरे काबू में हो और मैं तुम्हें चोट पहुँचा सकता हूँ। इससे बच्चों के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पे ठेस लगती है, जिसे निकलने में उन्हें बहुत वक्त लग जाता है, और कभी कभी तो सारी ज़िंदगी नहीं निकलती। और उतने ही खतरनाक हैं वो कड़वे शब्द जो हम उन्हें गुस्से में या हंसी मजाक में कह देते हैं। कई बार हम अपने बच्चों पे ऐसे कमेंट करते हैं जो हमें आम और मजाकिया लगते हैं, लेकिन ये शब्द उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचाते हैं। उनके शरीर पे कमेंट करना, इसकी नाक लंबी है, इसकी आंखें छोटी हैं, इसका माथा बड़ा है, इसके कान बाहर निकले हैं, या उनके हाव भाव का मजाक उड़ाना, ये टाइम पे कभी आ ही नहीं सकती, इसको खाने के कोई मैनर्स ही नहीं है, ये हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करता है, ये हमेशा शर्माती रहती है। हमारे लिए शायद ये सब सिर्फ एक टिप्पणी हो, लेकिन बच्चे के लिए उनकी आइडेंटिटी पे एक तीखा कटाक्ष है। तो ऐसे कमेंट्स मारने से हमें परहेज करना चाहिए। तीसरी बड़ी मिस्टेक जो हम पेरेंट्स ज़्यादातर कर बैठते हैं वो है बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ तुलना, यानी कंपैरिजन करना। ये तुलना कई बार घर पे उनके ही भाई बहनों से शुरू हो जाती है। अब कोई भी दो भाई बहन सेम नहीं होते, दोनों का अपना अनोखा व्यक्तित्व है और अलग अलग स्ट्रेंथ्स या कमजोरियां हैं, पर हम पेरेंट्स जुट जाते हैं कि एक की ताकत को दूसरे में डालें। अपने भाई को देखो कितने अच्छे नंबर लाता है, या अपनी बहन से कुछ सीखो, उसकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। इससे और कुछ हो ना हो आपके बच्चे को हीन भावना ज़रूर महसूस होगी। कई बार घर पे नहीं पर दूसरे बच्चों के साथ हम उन्हें कंपेयर करने लगते हैं।
इससे बच्चे को लगता है कि वो आपकी नज़रों में किसी से कम है और उनके कॉन्फिडेंस पे बहुत ठेस पहुंचती है। शर्मा जी के बेटे की तारीफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शर्मा जी के बेटे को मिसाल बनाकर अपने बच्चे को उससे कम महसूस कराना, ये गलत है। चौथी गलती जो हम पेरेंट्स कर बैठते हैं वो है अपने बच्चों को बात बात पे डांटना या उनकी निंदा करना। थोड़ा सोचिए, जब बच्चे गलती करते हैं तो क्या आप उन्हें डांट देते हैं, उन्हें उनकी सारी पुरानी गलतियां गिनाते हैं, क्या उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि उनसे ये भी नहीं हो सकता? अगर हाँ, तो आप उनके कॉन्फिडेंस को चूर चूर कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर उनसे कोई कीमती चीज़ टूट गई तो ये कह के डांटना कि तुम लापरवाह हो, उससे क्या होगा? चीज़ तो टूट गई है, कम से कम उनका कॉन्फिडेंस तो ना तोड़िए। और अगर आप गुस्सा हैं तो बच्चा भी यहाँ तो गुस्सा होगा कि उससे ये गलती कैसे हुई, या डरा हुआ होगा कि अब डांट पड़ेगी। तो इस गुस्से को दर्शाने के लिए मेरे पास एक 4-स्टेप प्लान है। पहले बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि नुकसान हुआ है और आप खुश नहीं हैं। फिर पूछिए कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, गुस्सा है अपने आप से या डर रहे हैं आपसे। फिर उनकी तरफ सहानुभूति दर्शाएं, उन्हें भरोसा दें कि आप समझ सकते हैं कि वो भी ये नुकसान नहीं चाहते थे, और आखिर में उन्हें इस घटना के बारे में सही तरीके से सोचने में मदद करें। ये कैसे हुआ और ऐसे ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ये सब डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर ये गलती दोबारा भी हो सकती है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बच्चों के कॉन्फिडेंस को कम करने के बजाय उनकी ग्रोथ में योगदान दे सकते हैं। अब आते हैं उस आखिरी गलती पर जो उम्र के साथ साथ और भी संगीन हो जाती है, और वो है दूसरे बच्चों से आपके बच्चों पर आते हुए प्रेशर को नज़रअंदाज करना। जब बच्चे 12-13 साल के हो जाते हैं तब उनके कॉन्फिडेंस पर उनके दोस्तों का काफ़ी असर पड़ता है। हम सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, अब वो अपने आप अपने दोस्तों को संभाल लेंगे, पर ये सही नहीं है। पेरेंट्स को इसके बारे में अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और उनके कॉन्फिडेंस का कवच बनने की भूमिका निभानी चाहिए। इस उम्र में बच्चों को अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खड़े होना सिखाइए। उन्हें ये विश्वास दें कि उन्हें किसी और की मनमानी या जिद को झेलने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वो उन बच्चों के साथ रहें जो उन्हें प्यार और रिस्पेक्ट दें, ना कि वो जो हमेशा उनकी निंदा करें। और अगर ये निंदा और इंसल्ट बुलिंग या टीजिंग का रूप ले ले तो हमें इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके टीचर से बात करें, अगर टीचर सपोर्ट नहीं कर रही तो स्कूल के किसी सीनियर अथॉरिटी से बात करें, और अगर वो भी कुछ नहीं कर रहे तो खुद उस बच्चे के पेरेंट से बात करें। ये ज़रूरी है कि बच्चे को इस हिंसात्मक माहौल से बाहर निकाला जाए। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो बच्चे की मानसिक स्थिति बेहतर होगी, और दूसरा उसे विश्वास होगा कि आप उसकी भलाई के लिए डट कर खड़े हैं उसके साथ, और इसी साहस को वो अपने व्यक्तित्व में ढाल सकेंगे और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये थी वो 5 गलतियाँ जो हम पेरेंट्स अक्सर करते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बच्चे इस संसार में कॉन्फिडेंस का बीज लेके आते हैं। अब ये हम पे हैं कि हम बिजली की तरह उन पे गिर के उनके कॉन्फिडेंस को पनपने से पहले ही ख़त्म कर दें, या फिर नर्म धूप और पानी जैसे व्यवहार से उनके कॉन्फिडेंस को एक सशक्त पौधे की तरह बढ़ने में मदद करें। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको अपनी गलतियां और उन्हें सुधारने के कुछ आइडियाज़ और तरीके ज़रूर मिले होंगे। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे कई और पेरेंटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ सुमित, और मैं मिलूँगा आपसे अगली बार। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।